दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में ना हर पिंड या वस्तु की अपनी एक अलग पहचान है। किसी भी दो वस्तु, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो या फिर कोई भी पिंड हो, उन सब की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। हाँ, उनमें कुछ विशेषताएं आपस में मैच कर सकती हैं, पर वे कभी भी पूरी तरीके से एक दूसरे के समान नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसा ही एक ग्रह है शनि, जो अपने छल्लों के कारण वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शनि अपने छल्लों के कारण सौरमंडल का सबसे निराला और सुंदर ग्रह कहलाता है। शनि का ना अपना एक उपग्रह है टाइटन, जो सारे सौरमंडल में पृथ्वी से मिलती जुलती सतह वाला आकाशीय पिंड है। दोस्तों, इसका पता सबसे पहले तब चला जब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर कासिनी स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह की ऑर्बिट में भेजा। दोस्तों, कासिनी शनि ग्रह के ऑर्बिट में एंटर करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। यहाँ कासिनी स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर का काम कर रहा था और उसके साथ भेजा गया होयगंस प्रोब लैंडर का काम कर रहा था। दोस्तों, जब होयगंस प्रोब को 16 जनवरी 2005 को टाइटन की सतह पर उतारा गया ना, तो होयगंस ने टाइटन के नदियों, पहाड़ों और झीलों के कई सारे ऐसे चित्र भेजे जिसे देखकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक दंग रह गए। दोस्तों, टाइटन का वायुमंडल बहुत ही घना है, जिसके कारण उसकी ऊपरी सतह को देख पाना या उसके चित्र ले पाना संभव नहीं था। दोस्तों, ब्राजील की पुरानी राजधानी रियो डी जेनेरो में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ सम्मेलन में ऐसे चित्र दिखाए गए और ऐसे शोध पत्र प्रस्तुत किए गए ना, जो पृथ्वी के साथ टाइटन की समानता की और अधिक पुष्टि करता है। दोस्तों, ये चित्र और अध्ययन भी कासिनी और होयगंस प्रोब से मिले आंकड़ों पर ही आधारित थे। वैज्ञानिकों के अनुसार होयगंस जहाँ पर उतरा ना, वहाँ नीची पहाड़ियों और उनके बीच समतल मैदाने थी। उतरने से पहले वह एक पहाड़ के ऊपर से उतरा हुआ गुजरा। वह एक ऐसी जगह उतरा जहाँ पहाड़ियों के बीच आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी, जो शायद पास के पहाड़ों पर से वहां आई थी। दोस्तों, होयगंस के उतरने के समय चारों तरफ काफी धुंध थी, पर वह इतनी पारदर्शी थी ना कि होयगंस के कैमरे 40 किलोमीटर की ऊंचाई से ही फोटो लेने लगे थे। होयगंस कई परतों वाले वायुमंडल से गुजरता हुआ एक उबड़ खाबड़ जगह पर उतरा। दोस्तों, होयगंस को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले उसे बिजली के संकेत भी मिले थे। इसका मतलब है कि टाइटन का वायुमंडल बहुत चंचल है। वहां उस समय तेज हवाएं चल रही थी, ऐसे में पैराशूट के सहारे उतरना काफी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, होयगंस ने जब टाइटन की हवा में तैरने वाले तत्वों का विश्लेषण किया ना, तो पता चला कि उसके बादल मुख्यतः इथेन और मीथेन गैसों के बने हैं और इन बादलों से मुख्यतः लिक्विड मीथेन की बरसात होती है। हालांकि होयगंस के उतरते समय कोई बरसात नहीं हो रही थी। दोस्तों, भले ही टाइटन पर पानी की वर्षा न होती हो, पर उसके गैस बनने और बरसने का चक्र वैसा ही है जैसा कि पृथ्वी पर पानी का है। दोस्तों, विश्लेषण में पता चला कि होयगंस के नीचे की जमीन भीगी हुई रेत की तरह थी और डेटा यह भी बताते हैं कि वह इस जमीन में करीब 10 सेंटीमीटर धंस गया और एक तरफ हल्का सा झुक गया था। दोस्तों, हमारी पृथ्वी और शनि ग्रह के इस उपग्रह के बीच और भी कई समानताएं हैं। जॉनथन लूनिन के अनुसार टाइटन पर ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं, खाइयां तथा जमीन जैसी चीजें मौजूद हैं, लेकिन वहां बड़े बड़े पहाड़ मौजूद नहीं है। पृथ्वी की तरह वहां भी हमें बहुत कम क्रेटर जैसे गोलाकार गड्ढे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? यह जगह बेहद ठंड है और यहाँ पर ना लिक्विड मीथेन लिक्विड वाटर का काम करती है और यहाँ पृथ्वी की तरह तरंगे भी पैदा होती हैं। दोस्तों, टाइटन पृथ्वी की तुलना में बेहद ठंडा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां का औसत तापमान भी 0 से 180 डिग्री नीचे है, जो साइबेरिया में पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान से भी 3 गुना ठंडा है। यहाँ नदियों और झीलों में ना पानी की जगह लिक्विड मीथेन बहती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि वहां पर ज्वालामुखी लावा नहीं बल्कि बर्फीली अमोनिया गैस उगलते हैं। वहां के वायुमंडल में 98.4% केवल नाइट्रोजन गैस ही है, बाकी के 1.6% में मीथेन का रेशियो सबसे अधिक है। दोस्तों, यहाँ का वायुमंडल इतना ज्यादा डेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है ना कि इंसान आसानी से हवा में उठ सकता है। दोस्तों, टाइटन ही शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास लगभग 5 किलोमीटर है और यह हमारे पृथ्वी के चंद्रमा से करीब 1.5 गुना बड़ा है। क्या आपको पता है कि उसका डेंस एटमॉस्फेयर ऐसी इफेक्ट पैदा करता है ना कि सनलाइट भी वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत ही कम रहता है। दोस्तों, भविष्य में वैज्ञानिक वहाँ ऐसा यान भेजना चाहते हैं जो लिक्विड मीथेन वाली किसी झील पर उतरे और उतरने से पैदा होने वाली लहरों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए।
ताकि वैज्ञानिक वहाँ जीवन की संभावनाओं का और अच्छे से विश्लेषण कर पाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।